कुछ नहीं, मेरी पीठ पे साबुन लगा दो। रामाजी, हमारे घर में आपका स्वागत है। गृह प्रवेश के लिए इस थाली पर अपना पैर रखकर अंदर आ जाइए। समधी जी, आज से आपका बेटा हमारा घर जमाई हुआ। पापा, मम्मी, पापा, मेरी बात तो सुनो। अब बोलने सुनने को बचा ही क्या है? जाओ तुम अंदर और तुम्हारे इस नए परिवार के साथ रहो। मम्मी प्लीज, पापा को समझाइए ना, आज मेरी खुशी का दिन है, कम से कम आज तो ऐसा ना करें। खुश रहो बेटा, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं रश्मि से बहुत प्यार करता हूँ और उसे पाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए रश्मि की मम्मी ने ये कंडीशन रखी थी घर जमाई बनने के लिए। माना हम लोग अमीर नहीं है, मगर फिर भी हम लोग बहू को सर आंखों पर बिठाते। ये बात तुम समझने को तैयार क्यों नहीं हो? घर जमाई बन के कोई इज्जत नहीं है। माफ कीजिएगा समधी, हमारे यहाँ का यही रिवाज है कि दामाद घर जमाई बन के रहते हैं। हमारा बड़ा दामाद भी हमारे साथ ही रहता है, हमने कभी उसे शिकायत का मौका नहीं दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं दामाद जी को सर आंखों पर बिठा के रखूंगी। दिल पे मत लो कुशल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अंदर जाओ, हमारी नई नवेली दुल्हनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। लहंगा बहुत भारी था ना, इसीलिए ये गाउन पहना है, स्पेशली आज के लिए लिया। कैसा है? अच्छा है। पूरे 7,000 का है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज रखा है। कैसा सरप्राइज? आंखें बंद करो, फिर बताती हूँ। सर,
सरप्राइज। रश्मि तुम ये शराब कब से पीने लग गई? ये शराब नहीं वाइन है, और ये तो मैं हमेशा से ही पीती थी। हाँ बस तुम्हारे सामने आज तक नहीं पी। देखो रश्मि मैं ये शराब नहीं पीता और तुम्हें भी नहीं पीने दूंगा। कम ऑन कुशल, तुम और तुम्हारी छोटी सोच। जैसे तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा है ना, वैसे तुम्हें अपने इस मिडिल क्लास को भी छोड़ना होगा। आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कहीं मैंने घर जमाई बन के गलती तो नहीं कर दी? प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर इस गलती को माफ कर दो प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जीजू आज दिखाई नहीं दे रहे, कहीं तुम उन्हें कच्चा तो नहीं चबा गई? शट अप यार, वो आता ही होगा। बिंदु कहाँ है? आपको तो पता ही है ना, मॉम तैयार होने में समय लेती है। दामाद जी आपने तो मुझे डरा ही दिया, अगर मैं गिर जाती तो? ऐसे कैसे गिर जाती? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे नजदीक कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा इतना प्यार करते हो मुझसे? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे सासू माँ दिखाई नहीं दे रही? गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सासू माँ। सासू माँ? ये क्या मिडिल क्लास वाला सासू माँ लगा रखा है? मुझे मेरे नाम से बुलाओ। बड़ा दामाद भी मुझे नाम से ही बुलाता है। हम लोग तो खुले ख्यालात वाले लोग हैं। तो आज से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, बिंदु। क्या? जी सासू माँ। I mean, बिंदु। ये क्या? ये आलू के पराठे किसने बनवाए? मैंने बनवाए। क्यों? तुम्हें तो पता है ना मुझे आलू के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ? ये कुशल का फेवरेट है। कुशल को तो पसंद है ना?
क्यों कुशल? मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ बिजनेस में हाथ बटाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। अच्छा सुनो, नाश्ते के बाद तुम मेरे रूम पे आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में बताऊंगी। और तरुण, तुम ऑफिस संभाल लेना, मैं अगले कुछ दिन कुशल के साथ घर से ही काम करूंगी। कम इन। अरे सासू माँ, मेरा मतलब बिंदु, आपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा पहनने का मन किया। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। मेरा होटल मुझे पापा से विरासत में ही मिला था। मेरा पति बहुत शराब पीता था, बात बात पर मुझ पर हाथ उठाता था, और एक दिन अचानक उसी शराब ने उसकी जान ले ली। तब रश्मि साल भर की भी नहीं थी। उसी दिन से मैंने ठान लिया, किसी भी आदमी को अपनी लाइफ को काबू करने नहीं दूंगी। तो क्या इसलिए आप अपने दामाद को घर जमाए बनाती हैं, ताकि आप उन्हें अपने काबू में कर सको? अगर वो आदमी तुम्हारे जैसा गबरू हो तो उसे काबू में करने में हर्जी क्या है? चलो मैं तुम्हें होटल के बारे में और कुछ बताती हूँ। हुआ? सब ठीक तो है? एड़ी मुड़ गई। आप आइए इधर बैठिए। आइए इधर। आउच। बहुत दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। अब देख क्या रहे हो? वहां से ट्यूब लाओ। देख क्या कर रहे हो, लगाओ ना। दर्द कहाँ पे आपको? थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर। इधर? थोड़ा और ऊपर। अरे यहाँ, यहाँ दुख रहा है। हाँ यहाँ लगा। आउच। अच्छे से लगाओ ना, बहुत दुख रहा है। ये तो बड़ा शरीफ निकला। मेरी पीठ पे साबुन लगा दो।
तुम कहां से आ रही हो? जिम से। तुम जिम से आ रही हो तो मुझे टॉवल किसने दी? मैंने। मैंने ही तुम्हें वो टॉवल पकड़ाई थी। अच्छा सुनो, रेडी होके जल्दी से मेरे रूम पे आ जाओ, एक क्लाइंट का कॉल आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि उस कॉल पर तुम भी मेरे साथ रहो। आजकल मुझसे इतने दूर दूर क्यों रहने लगी हो? क्या तुम वो सभी लम्हे भूल गई जो तुमने और हमने साथ बिताए थे? अपनी औकात में रहो। तुम ये सब उस सड़क छाप कुशल के लिए कर रही हो ना? जब से वो घर में आया तुम उससे बोर हो गई हो, है ना? वैसा ही समझ लो। अब तुम किस मुंह से उसे सड़क छाप बोल रहे हो? इस घर में आने से पहले तुम भी एक सड़क छाप ही थे। ऐसा मत बोलो। सच तो यह है कि मेरा मन भर गया तुमसे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूं, निकलो यहां से। सब ठीक है ना? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। लेकिन हुआ क्या है तारुण? बात का बुरा मत मानना, दरअसल उसने एक बिजनेस में गड़बड़ कर दी तो मैंने उसे डांट दिया, इसी बात का उसको बुरा लग गया। वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? वो वैसा ही है, किसी का गुस्सा किसी पे उतार देता है। तुम ये सब छोड़ो, अंदर आ जाओ। हाँ हाँ बेबी, कल मिलते हैं। शेटा प्यार, हाँ कल उसी रिजॉर्ट पे चलेंगे। शुदा होते हुए ऐसे हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? आवाज नीची रखो, आवाज उठानी ना मुझे भी आती है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता रखती हो? ये शर्म की बात ना तुम्हारे मुझसे अच्छी नहीं लगती। जुबान लड़ाती है बदतमीज औरत। अपने तेवर ना अपने पास रखो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और मेरे मॉम के बीच में क्या चल रहा है। किसी को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे किसी काम में इंटरफेयर नहीं करती तो तुम भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। और अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हुआ बिंदु, बस करो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा क्या रिश्ता है, और कम से कम हमें अपने रिश्तों की मर्यादा का मान तो करना चाहिए। मान कुशल, मैं चाहती हूँ कि हम सास और दामाद से भी ज्यादा अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त जिसके बीच में कोई पर्दा ना, जो हर बात शेयर कर सके, हर चीज शेयर कर सके, यहाँ तक कि बिस्तर भी। मैं इतना मॉडर्न नहीं हूँ बिंदु कि अपने रिश्तों की मर्यादा ही भूल जाऊं। हाँ, आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकतें मत करना, समझी? तुम कितना भी अकड़ लेकिन खुद को बहुत जल्द मेरे आगोश में पाओगे, क्योंकि बिंदु जिसे चाहती है उसे अपना बनाकर ही रहती है।
मुझे देखकर यूं घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मर्यादाएं भूल गई थी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने आंसू खोल दीजिए, आप जैसी मजबूत औरत के ऊपर ये आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं चाहती हूँ कि बीती बातें भुलाकर हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। ये अच्छा आइडिया है। सुनो, कल एक अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग है, मैं चाहती हूँ कि उसकी प्रेजेंटेशन तुम रेडी करो। पर कल तो हम पूजा दीदी की शादी के लिए मेरठ जा रहे हैं। लेकिन ये मीटिंग बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम दोनों तरुण के साथ चले जाओ, हम दोनों घर से ही मीटिंग अटेंड करेंगे। क्यों कुशल? कुशल, आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूं। गर्मा गर्म चाय तैयार है। मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं? हाँ, चाय तो पी लो पहले। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये मेरी हाईवे वाली जमीन की पेपर्स है, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर रही हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, वैसे भी मेरे बाद ये सब कुछ तो तुम्हारा ही होना है। आज तुम्हारे नाम करूं या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू। यू वेलकम। चाय पियो ना, और जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दो। अचानक से सर भारी सब लग रहा है। हाँ, एक मिनट। तुमने मुझे बहुत तड़पाया, आज मैं उसका हिसाब चुकता करूंगी।
अच्छा हुआ तुम जाग गए। रश्मि और बाकी लोग भी आते ही होंगे। मैं यहाँ कैसे? भूल गए? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। मुझे अकेला पाकर तुमने वो हरकत की कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है? तो अपना फोन चेक कर लो। ये सब तुम्हारी चाल है ना? ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं ये सब तुम्हारा प्यार पाने के लिए कर रही हूँ। होश में आओ बिंदु, ये तुम गलत कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक झटके में करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, वैसे ही एक झटके में ये वीडियो वायरल करके तुम्हें बदनाम कर सकती। देखो प्लीज, ऐसा कुछ मत करना, वरना मेरे माँ बाप शर्म के मारे मर जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अपने आप को मेरे हवाले करना होगा, मेरे गुलाम बन के रहना होगा तुम्हें। चिंता मत कर, धीरे धीरे ये सब कुछ तुम्हें अच्छा लगने लगेगा और तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। लगता है सब लोग आ गए, जाओ दरवाजा खोलो। और हाँ, किसी को भनक तक भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। जाओ। क्या हुआ, नजरें मिलाने लायक नहीं बचे क्या? मुझे पता है तुम्हारे और बिंदु के बीच क्या चल रहा है। मेरे हाथ वो तुम्हारा वीडियो लग गया। मैं चाहूं तो खड़े खड़े तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। प्लीज तरुण भाई, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? तुम्हें वो हाईवे वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। बिंदू ने मुझसे वादा किया था कि वो हाईवे वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी, लेकिन तेरे घर में आते ही उसने अपने पुराने आशिक को बुलाकर जिंदगी से बाहर निकाल दिया। क्या बिंदू के तुम्हारे साथ भी नाजायज रिश्ते हैं? उसे मर्दों को अपने इशारों पर नचाने में बड़ा मजा आता है। पहले वो उन्हें पूरा इस्तेमाल कर दिया है और फिर अपना काम निकल जाने पर वो अपनी जिंदगी से हमें ऐसे निकाल के फेंकती जैसे दूध से मक्खी, जैसा उसने मेरे साथ किया है। देखो तरुण, ना तो मुझे बिंदु में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी में। और तरुण, जैसा तुम बोलोगे मैं प्रॉपर्टी पे साइन करने के लिए रेडी। समझदार हो। लेकिन तरुण, अगर बिंदु को पता लग गया कि प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है तो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
बेबी देखो मैंने नई ड्रेस खरीदी है। पूरे 15,000 की है। मैं कैसी लग रही हूं? अच्छी है। ये क्या तरीका है कुशल? अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुमने मेरी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। नहीं रश्मि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो साबित करके दिखाओ कि तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो। रश्मि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। प्लीज बेबी मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं अभी और नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ये मत भूलो कि तुम्हारा MMS अब भी मेरे पास है। तुम्हें वीडियो वायरल करना है तो कर दो, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा करने से जितनी मेरी बदनामी होगी उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी होगी। और हाँ, तुम्हारे बिजनेस पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या बात होगी? मेरी किसी बात का बुरा मान गए? सासू माँ मुझे ये नाजायज इससे नहीं चाहिए। एक बार मुझे सच्चे मन से अपना कर तो देखो, मैं तुम्हारे सारे अकेले शिकवे दूर कर। बिंदु नहीं, बिंदु बोला ना नहीं। मुझे तुमसे घिन आती है और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। रश्मि अपना बैग पैक करो, हमें घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या हुआ? बस इतना समझ लो कि मैं उस बिंदु की कठपुतली बनके नहीं रहना चाहता। तुम पागल हो क्या? ये घर छोड़ने का मतलब, इस घर से जाने का मतलब माँ की सारी प्रॉपर्टीज में रेखा और तरुण का कब्जा हो जाना। ये तो सरासर बेवकूफी है। तो तुम्हें अपने पति की कोई परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है ना? यही समझ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी उस गंदी बस्ती में नहीं रहना है। ठीक है, तो मैं नहीं जाना, तो मैं खुद ही अकेले चला जाता हूँ। अगर तुमने ये घर छोड़ा तो हमारा रिश्ता भी खत्म। जो दुनिया में सबसे कीमती खुददारी है, और इसके लिए मुझे तुम्हें भी छोड़ना पड़े ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। कि लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझे ठुकरा।
तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है बिंदु। तुम बताओ तरुण, क्या कोई मर्द बिंदु को ठुकरा सकता है? मुझे तो बेचारे कौशल पर तरस आ रहा है, वो सच में बहुत बदनसीब है। जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, सच बिंदु मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें साबित करनी होगी। क्या करना होगा मुझे? इस कौशल को बर्बाद कर दो। ठीक है, हो जाएगा, बस तुम वही करना जो मैं तुमसे कहूं। ठीक है। आप सही थे पापा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए जो तेरे जैसा बेटा मिला मुझे। और हुआ क्या है? तेरी सास का फोन आया था, उसने कहा तूने उसे नशा देकर नाजायज संबंध बनाया उसके साथ, इसीलिए अब वो तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने जा रही है। और उसने हमें भी धमकी दी है कि वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। पर ये सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें कुछ भी नहीं सुनना है, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मर चुके हो तुम हमारे लिए, चलो शांति अंदर। मैंने दुनिया की परवाह ना करके घर जवाई करने का फैसला किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ससुराल एक घर नहीं एक मंदी है, जहां हर कोई अपने स्वार्थ के कारण एक छत के नीचे रह रहे हैं। और मेरी सास ने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए और मेरे सारू तरुण के साथ वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने सॉरी के पिंजरे जाल से निकलने की कोशिश की तो मेरी ही पत्नी ने मुझे ना चुनकर पैसों को चुना और उस पर एहसास हुआ मेरी ज़िंदगी बेमानी उड़ चली गई। और यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मेरी बात पर विश्वास ना करके तो मेरी झूठी सास बिंदु का विश्वास किया, मेरा दिल तोड़ के रख दिया। लेकिन शायद इसमें मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं जमाने के डर से उस बिंदु को अपना शोषण करने दिया। और आज मैं इस कुत्ते दिल के साथ सबको बताना चाहता हूँ कि जुर्म सहने वाला भी जुर्म करने के बराबर ही दोषी होता है, क्योंकि मैं हूँ। और इस जुर्म के लिए मैं अपने आप को सजाए मौत देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इस जमाने का सामना नहीं कर सकता। हेलो पुलिस, अरे ये क्या तरीका है, अंदर कैसे आ गए तुम लोग? बिंदु कश्यप तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। हम तुम्हें और तुम्हारे दामाद को गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन क्यों? शायद आपको पता नहीं है, आपके छोटे दामाद ने सुसाइड कर लिया है।
और मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार आप दोनों को बताया है। उसका कहना था कि आप दोनों मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है। हमने कभी उसको ब्लैकमेल नहीं किया। ये बातें कोर्ट में जाकर बोलना। एक सेकंड, कुछ ले देकर रफा दफा करते हैं ना। अच्छा, रिश्वत देता है पुलिस वालों को। यादव अंदर डाल इन दोनों को, अब इनका फैसला कोर्ट ही करेगा। लेके जाओ।